नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट्स के लिए डिक्टेशन, जो होगी 85 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF और आउटलाइंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप लिंक को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। इस न्यायालय द्वारा गोलुगुरी रामकृष्ण रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाले मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का भी अवलंब लिया गया है। विराम। हमारे मतानुसार समान रूप में यह निर्णय भी सही विधि अधिकथित नहीं करता। विराम। इस मामले में भी जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में पद को लोक स्थान पद के रूप में समझने में गलती की गई थी। विराम। कोई लोक स्थान ऐसा स्थान है जहां सामान्यतया जनता को एकत्रित होने के लिए अनुज्ञात किया गया हो, तथापि किसी व्यक्ति का कार्यालय, सदन या आवास कभी भी लोक स्थान नहीं माना जा सकता। विराम। इस निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के 6 लोक शब्द की परिभाषा लेते हुए यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला कि लोक स्थान वह स्थान है जहां सामान्यतया जनता किसी प्रयोजन के लिए या अन्यथा बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से भले ही निरंतर नहीं आती जाती है। विराम। तथापि जनता को दृष्टिगोचर पद को जनता को दृष्टिगोचर स्थान में पद के समान मानकर गलती की गई थी। विराम। उदाहरण स्वरूप, किसी व्यक्ति का आवासीय मकान लोक स्थान नहीं है, किंतु यदि कोई व्यक्ति जनता के लोगों को अपने मकान में विवाह के अवसर पर आमंत्रित करता है तो वह मकान उस आधार पर जनता को दृष्टिगोचर स्थान बन जाएगा, भले ही यह एक लोक स्थान न बना हो। विराम। लोक स्थान पद और जनता को दृष्टिगोचर पद के बीच स्पष्ट विभेद है। विराम। लोक स्थानों के विपरीत प्राइवेट स्थान जनता को दृष्टिगोचर स्थान बन सकते हैं। विराम। इस निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने जनता को दृष्टिगोचर स्थान की परिभाषा का भी उल्लेख किया है, जैसा कि वर्ड्स एंड फेरासिस वॉल्यूम 35A परमानेंट एडिशन वेस्ट पब्लिशिंग कंपनी 2002 कम्युलेटिव सप्लीमेंट्री पंफलेट P51 में उल्लेख किया गया है। विराम। जनता को दृष्टिगोचर पद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। पैरा, जहां अभियुक्त स्वयं को अपने शयन कक्ष में शिशु अभिरक्षक दर्शित करता है, वहां वह स्वयं को जनता को दृष्टिगोचर उप दर्शित करता है, जैसा कि अश्लील प्रदर्शन के अपराध के लिए अपेक्षित है, क्योंकि पद का लोक स्थान के रूप में अर्थ नहीं हो सकता, अपितु जनता को दृष्टिगोचर पद के रूप में हो सकता है। विराम। पैरा, अश्लील
प्रदर्शन के तत्व के संबंध में यह अपेक्षा है कि अभियुक्त किसी अनुचित रीति में जनता को दृष्टिगोचर स्थान में अपने शरीर के किसी भाग का प्रदर्शन करे, विराम जनता को दृष्टिगोचर तब लागू होता है जब प्रदर्शन ऐसे स्थान में और ऐसी रीति में किया गया है जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सके कि अन्य व्यक्ति द्वारा दृष्टिगोचर किया गया है, विराम पैरा। ऊपर उल्लिखित कारणों से हम इस निर्णय में जनता को दृष्टिगोचर में पद के अर्थ से संबंधित अभिव्यक्त मत की भी पुष्टि नहीं कर सकते, विराम जहां कहीं जनता देख रही हो और जहां कोई घटना जनता के लोगों द्वारा दृष्टिगोचर की गई हो वहां इसे जनता द्वारा दृष्टिगोचर कहा जाएगा, भले ही यह किसी प्राइवेट स्थान पर हो अथवा किसी लोक स्थान पर। विराम वर्तमान मामले में की गई शिकायत में यह प्रकट किया गया है कि जहां घटना हुई वह स्थान एक सड़क थी और घटना दो व्यक्तियों द्वारा देखी गई थी, विराम यह सही है या मिथ्या है यह बात विचारण के दौरान विनिश्चित की जाएगी, विराम पैरा। आखिरकार चीन ने भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जांच के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है, विराम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सभा की वर्चुअल बैठक में ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्वतंत्र जांच के लिए पेश किए गए ड्राफ्ट का भारत समेत दुनिया के 120 देशों ने समर्थन किया, विराम कोरोना वायरस को लेकर चीन आरोपों के घेरे में है, विराम हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोरोना वायरस खुद ही उत्पन्न हुआ अथवा उसे किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया, विराम लेकिन चीन को घेरने वाले अमेरिका समेत दूसरे देशों का आरोप है कि यह वायरस मानव निर्मित है और चीन में ही वुहान की किसी प्रयोगशाला में तैयार हुआ है, विराम चीन ने समय रहते जानकारी दी होती और वुहान में ही आवाजाही रोक दी होती तो दुनिया को इस महामारी का सामना नहीं करना पड़ता, विराम इतना ही नहीं WHO की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, विराम कहा यह भी जा रहा है कि उसने सही समय पर सदस्य देशों को इस वायरस को लेकर चेतावनी जारी नहीं की, विराम यह बात सही है कि भविष्य में ऐसा विनाशक माहौल नहीं बने, इसे देखते हुए कोरोना को लेकर सभी पहलुओं की जांच जरूरी है, विराम न केवल चीन अमेरिका और WHO बल्कि सभी प्रभावित देशों को भी अपनी अपनी भूमिका की समीक्षा भी करनी होगी कि क्या वे समय रहते इस महामारी को फैलने से रोक सकते थे, कोरोना को लेकर यह जांच निश्चित ही हालत सामान्य होने के बाद ही हो सकेगी, विराम लेकिन बड़ा सवाल जांच के निष्पक्ष
वह पारदर्शी होने का तो है ही, जांच नतीजों के अनुरूप होने वाली कार्रवाई का भी है। विराम विश्व की दो शक्तियों चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है, क्या निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करना आसान होगा? विराम पैरा यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों समेत ब्रिटेन, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया व भारत जैसे देशों का जांच के प्रस्ताव को समर्थन बताता है कि चीन पर चौथरपा दबाव पड़ा है। विराम प्रस्ताव में भले ही चीन का नाम नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के चीन से अपने व्यापारिक हितों की परवाह किए बिना जांच प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया है। विराम दूसरी ओर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करना यह बताता है कि मौका पड़ने पर जांच नतीजों के आधार पर कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग हो सकती है। विराम आने वाले समय पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव आर्थिक पाबंदियों के रूप में और बढ़ सकता है। विराम ऐसे में जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच कमेटी में दुनिया के दूसरे देश भी शामिल होंगे तो WHO को जांच प्रस्तावित करने के किसी भी प्रयास पर नज़र भी रखनी होगी। विराम साथ ही यह भी साबित करना होगा कि वह किसी देश से प्रभावित नहीं है। विराम WHO को जांच के साथ साथ कोरोना संक्रमित देशों की मदद भी करनी है। विराम धन्यवाद।